नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई औषधि लेकर, एक और नया टॉपिक लेकर, एक ऐसा गुणकारी खाद्य पदार्थ लेकर जो कि आपकी मुंह का जायका भी बनाएगा, यानी कि आपका मूड भी बनाएगा, आपको एनर्जी भी देगा और बहुत सारे फायदे भी देगा। दोस्तों, तो आइए आज हम जानते हैं कि सोने से पहले बस एक केले को उबाल करके पीने का क्या फायदा होता है। इंसानी शरीर को नींद की उतनी ही जरूरत होती है जितना खाने पीने का। नींद का न आना बीमारी का संकेत हो सकता है दोस्तों, इसीलिए गहरी नींद में सोने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? कई लोगों को नींद न आने की बड़ी समस्या होती है। जब तक वो सोने की कोशिश करते हैं तब तक सूर्योदय हो जाता है। जब सब तरकीबें असफल हो जाती हैं तो नींद की दवा खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दवाइयां आपकी सेहत को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं दे सकती हैं? दोस्तों, ये दवाइयां आपके लिए कुछ समय का हल हो सकती हैं पर अस्थाई हल नहीं हो सकती। नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चिंता, तनाव और या कहें किसी बीमारी का होना, किसी भी प्रकार के अन्य बीमारी का होना दोस्तों, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर सिर दर्द। लेकिन आज हम आपको स्थायी और 100% प्रभावी, बिना किसी नुकसान के ऐसी तरकीब बताते हैं, ऐसी दवाई बताते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम को छूमंतर कर देगा। नींद न आने की समस्या का स्थायी और प्राकृतिक हल है दोस्तों, केला। जी हाँ, सही सुना आपने। केले को वैसे तो हम सब एक फल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके छिलके में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोटेशियम नींद की कमी को पूरा करता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को शांत करता है। तो अब हम ध्यान देते हैं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। केले की चाय। आप भी सोच रहे होंगे कि चाय में केला डालकर कौन पीता है यार, पर शायद आपको पता नहीं होगा कि चैन की नींद पाने के लिए बहुत से लोग केले वाली चाय पीते हैं दोस्तों। जिनको भी पता है आई थिंक वो सभी पीते हैं। अगर आपको भी अच्छी नींद नहीं आती है और सोने के दौरान आप बीच बीच में उठ बैठते हैं तो केले वाली चाय पीना आपके लिए बेहद, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए होगी ये हम आपको बताते हैं। केला, थोड़ी सी दालचीनी, एक छोटा कप पानी का। और अब इसे बनाने की विधि। केले वाली चाय बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। एक छोटा केला ले लें और एक कप पानी में दालचीनी डालकर उसे उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें केला काटकर छिलके समेत डाल दें। इसे 10 मिनट तक उबलने दें और फिर इसे छानकर पी लें दोस्तों। ऑर्गेनिक केले का ही इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखें, तब आपको भरपूर नींद आएगी दोस्तों, क्योंकि ये एक अचूक औषधि है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा दोस्तों कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसका क्या इलाज हो सकता है, और इसके लिए हमने आपको बताया केले वाली चाय के बारे में। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे, आप सभी से जुड़ेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर के, हमें औषधियों के बारे में बता करके, बिना किसी दवाइयों का आपका खान पान के साथ ही इलाज हो जाए इसका ख्याल रख करके, या इस पर वर्क करके हमें खुशी होती है दोस्तों। इसीलिए हम आपके लिए ये वर्क करते जाते हैं। अगर आप अपने कीमती सुझाव हमें देते हैं या कोई आपकी समस्या है उससे निजात पाने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि उसका प्राकृतिक हल क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक औषधियों द्वारा उपचार कैसे होगा उसका, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल बताएं। धन्यवाद।